हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए तीन अलग तरीके की साग की रेसिपीज़ लेकर आई हूँ। अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से साग बनाया जाता है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो आज मैं आप लोगों के लिए चना साग, पालक साग और सोया मेथी साग की रेसिपी लाई हूँ, जो कि बहुत ही हेल्दी है क्योंकि इसमें कोई तेल मसाला नहीं यूज़ हुआ है और टेस्टी भी बहुत है। तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो सबसे पहले हम बनाएंगे चना साग। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने ले लिया है ये 250 ग्राम चना का साग, और ये मेरे खेतों का है, तो ये देख सकते हैं आप बिल्कुल फ्रेश है और बिल्कुल जो मुलायम पत्तियाँ हैं वही हैं। तो अगर आप मार्केट से लेकर आते हैं तो इसकी जो मुलायम पत्तियाँ हैं वो तोड़ लें और जो मोटे मोटे स्टेम्प हैं उसे काट करके अलग कर लें, और उसके बाद इसे धुल कर बारीक काट लें। पहले तो चना साग को धुला नहीं जाता था, पर इस टाइम पे बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स का छिड़काव होता है जिसकी वजह से इसे धुलना बहुत ज़रूरी है। तो इसे धुल कर बारीक काट लें। उसके बाद क्या करना है कि हमें ले लेनी है एक लोहे की कढ़ाई, और चना का साग अगर आप लोहे की कढ़ाई में बनाते हैं तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो अगर आपके पास है तो आप ज़रूर इसे लोहे की कढ़ाई में बनाएं। और यहाँ पर ये देखिए चना साग मैंने अच्छे से धुल कर उसके बाद इसे इस तरीके से बारीक काट लिया है। उसके बाद हम इसे डाल देंगे इस तरीके से कढ़ाई में, और आधा ग्लास इसमें हम पानी डाल देंगे और आधा छोटा चम्मच नमक डाल देंगे, और इसे हम ढक कर मीडियम फ्लेम पर 8 से 10 मिनट तक पकाएंगे। और बीच में हम इसे चेक भी करेंगे, अगर पानी सूख गया है तो थोड़ा पानी फिर से ऐड कर देंगे। तो ये देखिए मिक्स कर देंगे अच्छे से, और अब हम इसे कवर कर देंगे 8 से 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। बीच में हम इसे चेक भी करते जाएंगे। तो यहाँ पर ये देखिए 8 मिनट बाद मैं इसे खोल रही हूँ, और देखिए पानी अभी है, और ये देखिए चना साग भी अच्छे से पक चुका है। तो अब हम क्या करेंगे कि खोल कर ही इसे 2 से 3 मिनट पकाएंगे जिससे इसका पानी सूख जाए, और स्पैचुला से इस तरीके से प्रेस करते हुए चना साग को भी अच्छे से और अच्छे से पका लेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने इसे खोल कर ही 3 से 4 मिनट पकाया है, और ये देखिए पानी अच्छे से सूख गया है और चना साग भी अच्छे से पक चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में, ये देखिए, और सेम कढ़ाई में हम ले लेंगे 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल, और तेल जब गर्म हो जाएगा तब हम इसमें डाल देंगे 8 से 10 कलियाँ लहसुन कटी हुई, 2 हरी मिर्ची और 1 लाल मिर्ची। तो पहले हम लहसुन को डालेंगे, चेक कर लेंगे कि तेल पक गया है या नहीं। तो तेल पक गया है तो लहसुन डाल देंगे, उसके बाद हरी मिर्ची डाल देंगे और इसे अच्छे से पका लेंगे, और जब ये पक जाएगा तब हम लास्ट में डालेंगे लाल मिर्ची, क्योंकि लाल मिर्ची पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं लहसुन और हरी मिर्ची पक चुका है। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे 1 टमाटर बारीक कटा हुआ, और उसके बाद थोड़ा सा नमक डाल देंगे जिससे टमाटर जल्दी पक जाए। तो ये देखिए अब हम इसे भी पका लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टमाटर भी पक चुके हैं, बिल्कुल सॉफ्ट और मशी नहीं करना है, बस हल्के हल्के से पक जाएं। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे जो चना साग हमने पका कर रखा है उसे, और मिक्स करते हुए इसे अच्छे से 2 से 3 मिनट तक हम भून लेंगे, और लास्ट में हम इसमें डाल देंगे जो लाल मिर्ची हमने काट के रखी थी इसे, और इसे डालकर भी हम 1 मिनट भून लेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए चना साग को भूनते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं और ये अच्छे से भून चुका है। तो अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे, और ये देखिए बिल्कुल टेस्टी सा चना साग बनकर तैयार है, और टेस्टी के साथ साथ हेल्दी भी बहुत है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। तो चलिए अब हम बनाते हैं दूसरी रेसिपी, जो कि है आलू पालक साग। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है, और उसमें डाल दिया है 2 बड़े चम्मच तेल। तो तेल थोड़ा सा यहाँ पर ज़्यादा है, अभी हम बाद में कम कर लेंगे, अभी पहले आलू फ्राई कर लें उसके बाद तेल को हम कम कर लेंगे। तो यहाँ पर ये मैंने 2 मीडियम साइज के आलूओं को ये देखिए इतने मोटे पीसेस में कट कर लिया है, और अब हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। आलू को पकने तक हम इन्हें फ्राई करेंगे, और आप इसे और हेल्दी बनाने के लिए आप चाहें तो आलू को फ्राई ना करके आप इसमें आलू को बॉईल करके भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आलू अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, चेक कर लेंगे कि आलू पक चुके हैं। तो ये देखिए आलू अच्छे से पक चुके हैं, अब हम इन्हें निकाल लेंगे एक प्लेट में, और उसके बाद हम तेल को बिल्कुल कम कर देंगे। ये देखिए तेल निकाल लेंगे इसमें से हम सारा, बस 1 बड़ा चम्मच हम इसमें तेल रहने देंगे। ये देखिए
और उसके बाद हम इसमें फ्राई कर लेंगे। ये उड़द दाल की बढ़िया हैं, घर में बनाई जाती हैं, साल भर के लिए स्टोर करके रखी जाती हैं। इन्हें फ्राई कर लेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, इससे इसका टेस्ट और अच्छा आता है। बाद में हम इसे तोड़ कर क्रश करके इसमें ऐड करेंगे तो इसमें मसालों का फ्लेवर होता है तो वो इसको और टेस्टी बनाता है। तो नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे ये बारीक कटे लहसुन और 3 से 4 लाल मिर्ची, या लाल मिर्ची थोड़ा सा कम या ज़्यादा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और जब लहसुन पक जाए तब हम इसमें डालेंगे लाल मिर्ची, क्योंकि लाल मिर्ची को पकने में टाइम नहीं लगता। ये देखिए लाल मिर्ची डाल दी है। उसके बाद इसमें डाल देंगे थोड़ा सा हींग और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर बारीक कटे हुए, ये देखिए। और टमाटर डालने के बाद हम इसमें डाल देंगे 1/2 छोटा चम्मच नमक, मिक्स कर देंगे इसे। तो यहाँ पर ये देखिए टमाटर थोड़े से पक चुके हैं, तो अब हम इसमें डाल देंगे 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, इन्हें भी थोड़ा सा भून लेंगे। और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे बारीक कटी पालक 400 ग्राम, ये देखिए, और इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। और मिक्स करने के बाद हम इसे 2 मिनट के लिए कवर कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से इसे करके हम इसे कवर कर देंगे 2 मिनट के लिए। तो यहाँ पर ये देखिए 2 मिनट हो चुके हैं, तो चेक कर लेंगे हम। तो आप देख सकते हैं कि पालक बिल्कुल गल चुकी है और इसने अपना पानी भी रिलीज़ कर दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हम डाल देंगे जो आलू हमने फ्राई करके रखी है उसे, और आप चाहें तो आप इसमें बॉयल्ड आलू का भी यूज़ कर सकते हैं जैसा कि मैंने पहले बताया। और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे जो वड़िया हमने फ्राई करके रखी थी उसे क्रश करके, तो ये देखिए। और आप चाहें तो आप इस सब्ज़ी को थोड़ी सी ग्रेवी वाली भी बना सकते हैं, तो आप इसे स्टेज पर इसमें थोड़ा सा पानी डाल दें और फिर इसे ढककर पकाएं। तो हम ग्रेवी वाली नहीं बना रहे, हम सूखी बना रहे हैं, तो हम ऐसे ही इसे ढककर 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। उसके बाद ये देखिए खोल लेंगे और खोल कर हम इसे भून लेंगे अच्छे से 3 से 4 मिनट तक, ये देखिए। तो यहाँ पर ये देखिए साग को भूनते हुए 3 से 4 मिनट हो गया है। तो आप देख सकते हैं इसका कलर बिल्कुल टेस्टी सा आलू पालक का साग बनकर तैयार है। तो अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे सर्व कर लेंगे। तो ये देखिए बिल्कुल टेस्टी, बिल्कुल हेल्दी आलू पालक का साग बनकर तैयार है। तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो अब हम बनाएंगे अपनी तीसरी रेसिपी जो कि है सोया मेथी का साग। तो उसके लिए भी यहाँ पर अगेन मैंने लोहे की कढ़ाई ले ली है और ये साग भी लोहे की कढ़ाई में बहुत टेस्टी बनता है। तो अगर आपके पास है तो आप ज़रूर लोहे की कढ़ाई लें। उसके बाद इसमें मैंने डाल दिया है 2 चम्मच सरसों का तेल, और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे जब तेल गर्म हो जाएगा तो ये 8 से 10 कलियाँ लहसुन की कटी हुई और 2 से 3 हरी मिर्ची, और इसे हम बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लहसुन और हरी मिर्ची अच्छे से पक चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें 2 आलू को ये देखिए इतने पतले पीसेस में कट करके डाल देंगे और इसे भी हम 2 से 3 मिनट अच्छे से भून लेंगे। तो यहाँ पर आलू को फ्राई करते हुए मुझे 3 मिनट हो गया है और मीडियम फ्लेम पर मैंने इसे फ्राई किया है। और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे ये बारीक कटे सोया मेथी, और इसे मैंने धुलकर अच्छे से बारीक काट लिया है, ये डाल दिया है। और ये लगभग 400 ग्राम सोया मेथी है जिसमें मेथी थोड़ा सा ज़्यादा है, सोया कम है, और इन सबको हम मिक्स कर देंगे ये देखिए इस तरीके से। और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे 1/2 छोटा चम्मच नमक और फिर से इसे मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है और अब हम इसे कवर कर देंगे 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पर, या जब तक कि आपके आलू नहीं पक जाते। तो यहाँ पर ये देखिए 3 मिनट हो चुके हैं सब्जी को पकते हुए, तो हम इसे चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए आलू को चेक कर लेंगे, अगर आलू पके हैं तो ठीक है, नहीं पके हैं तो फिर से हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए कवर कर देंगे। तो आलू पक चुके थे, तो अब हम इसमें डाल देंगे 1 बारीक कटा टमाटर और फिर से इसे कवर कर देंगे 1 से 2 मिनट के लिए। तो देखिए 1 मिनट बाद फिर से इसे खोल कर चेक करेंगे तो देखिए टमाटर अभी पक चुके हैं लेकिन पूरी तरीके से नहीं पके हैं। तो अभी इसे हम खोल कर फ्राई करेंगे अच्छे से 3 से 4 मिनट के लिए, तो टमाटर तब तक में पक जाएंगे। तो अब हम इसे खोलकर अच्छे से मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए भून लेंगे अच्छे से।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसे अच्छे से 3 से 4 मिनट तक फ्राई कर लिया है मीडियम फ्लेम पर। और कलर देखिए इसका कितना अच्छा लग रहा है, और यकीन मानिए खाने में बहुत टेस्टी लगती है। तब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और ये देखिए बिल्कुल टेस्टी सा सोया मेथी का साग बनकर तैयार है। तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, यकीन मानिए खाने में बहुत टेस्टी लगता है। और अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज पसंद आती हैं तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।